ये जो दोस्तों आश्रम का प्रवेश द्वार है, श्री परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़ चुनार मिर्जापुर। हाँ दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ आश्रम पहुँच गए हैं। अब आप लोगों को दिखाते हैं छत्तीसगढ़ का आश्रम कैसा है। यह है छत्तीसगढ़ का आश्रम, जो हमारे गांव से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है। अंदर चलते हैं। बहुत खूबसूरत है, घूमने का मतलब एक आश्रम है। और यहाँ पर लोग स्वामी अर्गानंद के नाम से प्रसिद्ध है। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में है। और अंदर चलते देखते हैं आश्रम। तो आश्रम काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। आश्रम को हम दिखाते हैं आप लोगों को। काफ़ी घूमने लायक है आश्रम में। स्वामी अर्गानंद के नाम से फेमस है, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में। ये जो लोकेशन है ना दोस्तों, यहाँ पर हमारे स्वामी जी का हेलीकॉप्टर लैंड होती है। यहाँ पर स्वामी जी के मतलब कहीं विदेश या कहीं बम्बे से आते हैं, तो यहाँ पर उनकी हेलीकॉप्टर लैंड होती है। ये देखो मिर्चा लगा हुआ है। कभी भी आइए आप लोग घूमने टहलने। काफ़ी खूबसूरत भाई, इतनी मतलब है ना, अभी आप लोग को दिखाते हो जो पहाड़ है ना, अभी उसके ऊपर से इतना दरी है। अभी वहाँ चलेंगे हम लोग। दोस्तों आश्रम एकदम, आज पूरे आश्रम घुमाएंगे आप लोग एकदम झका। देखो भाई भी आ जाए मेरे साथ, भाई सपोर्ट भाई इस चैनल को। तो आप लोग हमारे बहादुर भैया है गांव के। और चलते हैं आश्रम तरफ, दिखाते पूरी आश्रम घुमाते हैं। चैनल को प्यार दे रहे हो उतना ही भाई के भी चैनल को प्यार दो। ये क्या भाई? बरसिंग। अच्छा, पशु के लिए चारा है, गाय चारा खाने के लिए। क्योंकि यहाँ जो ये आश्रम जो है ना, है तो एक किला, मगर यहाँ पर स्वामी जी अब आश्रम बना दिए। काफी काफी घूमने लायक है। नारियल का पेड़ है, चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। इसके भाई पास में उस पास साइड नदी है, जो हमारे स्वामी जी उसमें अपना यात्रा कभी करने का मन करता है स्वामी जी का। इसके जस्ट कुछ दूरी पर नदी है, चलते नदी की तरफ। दोस्तों नदी की तरफ आ गए हैं और चलते हैं नदी की तरफ जल्दी जल्दी। देखते हैं अलाउ है कि नहीं। ये है नदी, आश्रम। नदी में पानी है या बहादुर भाई? पानी बहुत है, इसमें सूखता नहीं है। चलते हैं सर नदी की तरफ। दोस्तों ये है नदी, आश्रम के पास है। दोस्तों ये देखो आश्रम की गौशाला है।
यहाँ पर गाय हैं सब। बहादुर भाई कौन कौन गाय हैं पहचान रहे हो? साहिवाल है, जर्सी है, साहिवाल जर्सी, भैंस तो नहीं रखे होंगे? ये आश्रम गौशाला है भाई। चलते हैं कुछ और दिखाते हैं आप लोग नया लोकेशन। अंदर हमें ना जा पाऊँ, अंदर अंदर चलो चलते हैं। अंदर में जैसे चप्पल पहन किसी जगह बाहर, अंदर नहीं बाहर, बाहर मतलब बाहर बाहर। क्या कर दोस्तों, हम लोग शूज पहन के हर जगह अलाउ नहीं है। महाराज आगे नहीं जा सकते हैं, अच्छा ऐसे ये नहीं नहीं आप हम कोई दिक्कत नहीं है हमारे जगह, इधर से जाना पड़ेगा। और बात ये लोग जो लोकेशन दिखाए हैं आश्रम के गौशाला है, आप लोग दिखा रहे वीडियो हम नीचे से। हमारे बाबा जी के परमिशन द्वारा, बाबा जी एक बार हाय के बोल दीजिए हमारे मीडिया लोगों को। हरिओम हरिओम हरिओम। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। मेरा फोटो निकाल देना कल भैया। ये भंडारा है, ये जो आप स्थान प्रेस देख रहे दोस्तों ना, यहाँ पर जब भंडारा लगता है लगभग 2,000-3,000 लोग यहाँ भंडारा लगता है। यहाँ पर इसी स्थान पर मतलब प्रसाद मिलता है। काफ़ी आश्रम बहुत काफ़ी बड़ा है भाई, एकदम तुमको बता रहे जो आपको जहाँ तक मतलब लोकेशन दिखाई दे रहा है ना, काफ़ी बड़ा आश्रम है एकदम एकदम दोस्तों। कम से कम 200 बाहर, कम से कम 200 बीघा होगा। हाँ 200 से कम, कम से कम 200 बीघा में दोस्त होगा ये आश्रम। और दिखाते हैं आप लोग, दिखाते हैं जो आश्रम जब भंडारा होता है ना, कहाँ दिखाते हैं भंडारा कर। ये जो देख रहे दोस्तों ना, जब भंडारा होता है ना, देख इसी में भोजन पूड़ी सब्जी बनता है। आप दिखा, कम से कम इसमें पूड़ी सब्जी बनता है भाई। भंडारा जब होता है ये चीज़ एक कढ़ाई है, यहाँ पर भोजनालय बनता है भंडारा के टाइम। मेरा गांव के करीब है, थमसा की भाई दिखा देते आप लोगों को। यहाँ पर खेती सब कुछ, सब्जी उब्जी सब कुछ आप देख रहे हैं, गुलाब का फूल। और चलते वीडियो और आप लोग दिखाते हैं आगे दोस्तों। ये आश्रम का पावर हाउस 440 वोल्ट दोस्तों। आश्रम काफ़ी बड़ा है बाद में, काफ़ी नया है, घूमने लायक भी है, लोग आ भी जा रहे हैं। और दोस्तों चलते हैं आगे और दिखाते हैं, अंदर चलते हैं दोस्तों आप लोगों को। अब अंदर तक दोस्तों चलते हैं, आप लोग दिखाते हैं अंदर का सीन कैसा है। और जहाँ पर स्वामी जी बैठते हैं सुबह सुबह, सुबह नहीं शाम को बैठते, 4 बजे ना, 4 बजे बैठते हैं, 7 बजे। और अंदर की तरफ चलते हैं। ये जो है दोस्तों आश्रम का प्रवेश द्वार है, श्री परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़ चुनार मिर्जापुर। दोस्तों गेट पर अलाउड नहीं था, वीडियो शूट करना है, फ़ोटो खींचना, इसलिए कैमरा बंद कर दिए थे। अब अंदर आए हुए हैं, अलाउड बहुत कम है यहाँ पर कि आप वीडियो या फोटो खींच सकते हैं। दिखाते हैं सामने काफ़ी, ये आश्रम है, ये अंदर का लोकेशन है। ये झाड़ू लग रहा है, यहाँ पर 4 बजे महाराज जी सामने जो है उसमें बैठेंगे, और 4 बजे यहाँ पर द्वार लगती है महाराज जी का। लोग आ रहे हैं, वीडियो दोस्तों बंद कर रहे हैं के लिए। दोस्तों आश्रम घूम लिए, अब जा रहे, कुछ जगह अलाउ नहीं था जहाँ हम लोग फ़ोटो खींच सके या वीडियो रिकॉर्ड सके, क्योंकि जहाँ अलाउ था वहाँ मतलब आप लोगों के वीडियो में दिखाए हैं, हर जगह अलाउ नहीं था। आश्रम है यहाँ पर हर चीज़ अलाउ नहीं होता है। वीडियो क्लिन करते हैं दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करें।